हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक. सो दिस इज़ पार्ट वन ऑफ योर चैप्टर मैटर अराउंड अस इज़ प्योर और नॉट, या फिर आप प्योर सब्सटेंस भी बोल सकते हो. उसका पार्ट वन है एमसीक्यूज़ का. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एमसीक्यूज़ के साथ. हमने पढ़ा था लास्ट टाइम पे कि जो मैटर होता है वो क्या होता है. एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जो मास हो जिसका और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करे, तो इट इज़ नोन एज अ मैटर. अब हमने ये भी देखा था मैटर की क्लासिफिकेशन, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस. मैटर तीन ही कंडीशन में एग्जिस्ट करता है, या तो सॉलिड या लिक्विड या गैसेस. हमने दो स्टेट्स इसकी और पढ़ी थी, कौन कौन सी बताइए. प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है, BEC. आई होप ये आपने पढ़ा होगा. हमने क्या पढ़ा था, जो भी हमारा मैटर है वो किस चीज़ से बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से, राइट. जब हम इस मैटर को तोड़ते जाएं और एक ऐसा पॉइंट आ जाए जब वो बिल्कुल भी टूटे ना, सबसे स्मॉलेस्ट पॉइंट जब हमारा रीच हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं एटम, राइट. तो हमारा मैटर जो है वो एटम से बना होता है. ऐसे ही सॉलिड में जो एटम होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, लाइक दिस. लिक्विड में जो एटम्स होते हैं वो थोड़े से लूजली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में इंटर एटॉमिक स्पेसेस होते हैं. बट गैसेस में बहुत दूर दूर होते हैं, नेग्लिजिबल इंटर मॉलिकुलर स्पेस होता है, नेग्लिजिबल इंटर मॉलिकुलर फोर्सेज होते हैं इसके बीच में, गैसेस के बीच में. ये सब हम कर चुके हैं अपने पहले चैप्टर में. अब हमने पढ़ा था ये जो एटम है ये किस चीज़ से बना होता है. जब हमने एटम को खोल के देखा तो हमने देखा कि बीच में होता है एक न्यूक्लियस, उसके अराउंड होते हैं प्रोटॉन्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और न्यूट्रॉन्स जो न्यूट्रल चार्ज होते हैं, और इसके अराउंड होता है हमारा इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं. ऑलराइट, ये सब हमने पढ़ा था, इतना हमने पढ़ लिया था. उसके बाद आज हमने पढ़ा कि प्योर सब्सटेंस, हम प्योर सब्सटेंसेस किसको कहते हैं. हम प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं उनको जो जिसमें कोई भी एडल्ट्रेशन ना हो, कोई भी मिलावट ना हो, राइट. लेकिन जब हमने साइंटिस्ट के पास गए, अब जैसे हमने क्या कि भाई इस दूध में मिलावट है, इस दूध में कुछ मिला हुआ था, और एक दूध है जो हमने अपनी आँखों के सामने निकलवाया है, ना ही कोई भैंस को इंजेक्शन लगाया है, ना ही उसमें कुछ डाला गया है, हमने अपने सामने ही उस दूध को निकाला है. हम साइंटिस्ट के पास लेके गए उस दूध को, हमने उनसे बोला कि ये है प्योर मिल्क, बट साइंटिस्ट ने कहा कि इस दूध को हम प्योर नहीं मानते, इट इज़ इम्प्योर. मतलब क्या है, हमारी डेफिनेशन प्योर की और साइंटिस्ट की डेफिनेशन प्योर की, उन दोनों में फ़र्क था. हमने प्योर किसको कहा, जो जिस चीज़ में एडल्ट्रेशन नहीं हो, जिस चीज़ में कोई मिलावट नहीं हो. लेकिन जब साइंटिस्ट ने प्योर की डेफिनेशन दी तो उन्होंने ये बोला कि हम उस चीज़ को प्योर कहेंगे जो सिर्फ एक तरीके के पार्टिकल से बनी होती है, राइट. तो एक तरीके के पार्टिकल्स कौन से हो सकते हैं हमारे, या तो वो एटम्स हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस. एटम्स क्या होते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट्स. फॉर एग्जांपल ये है इसका एटम, इससे फर्दर ये डिवाइड नहीं हो सकते किसी के बीच में, तो सॉलिड का ये है एटम्स, राइट. ऐसे ही इस तरीके के सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जिसमें वो और फर्दर डिवाइड ना हो सके वो होंगे एटम. जब एक दो से ज़्यादा एटम आपस में मिल जाते हैं, दो या दो से ज़्यादा एटम्स, तो वो कंबाइन होकर बना लेते हैं मॉलिक्यूल. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, वो आपस में मिल गए, वो बना लेंगे मॉलिक्यूल, दैट इज़ H2. ऐसे ही O2, ये एक मॉलिक्यूल है. सिंपल O है तो ये एक एटम है, लेकिन ये O2 बन गया तो ये हो गया मॉलिक्यूल, राइट. ऐसे ही अगर हमने एक हाइड्रोजन का, दो हाइड्रोजन के एटम लिए और एक ऑक्सीजन का एटम लिया, तो क्या बन गया, H2O. ये भी है एक मॉलिक्यूल, पर डिफरेंट डिफरेंट किसका है, ये डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स का है, राइट. अब हमने क्या देखा कि साइंटिस्ट ने बोला वो एक ही तरीके के पार्टिकल से बने होने चाहिए, या तो सेम एटम से बने हो,
या फिर सेम मॉलिक्यूल से बने हों या फिर सेम आयन से। इनका कहने का मतलब था प्योर सब्सटेंस वही है जैसे कि हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो अगर इनको हम ब्रेक करेंगे, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इन सबको इतना ब्रेक करेंगे कि हम उसमें क्या देखते हैं कि हीलियम में सिर्फ हमें हीलियम के ही एटम्स मिले और किसी चीज़ का हमें एटम नहीं मिला। ऐसे ही ऑक्सीजन में हमें सिर्फ ऑक्सीजन के एटम मिले और किसी चीज़ का एटम नहीं मिला। सिमिलरली नाइट्रोजन में हमें सिर्फ नाइट्रोजन के एटम्स मिले। तो उस चीज़ को क्लासीफाई किसमें कर दिया उन्होंने कि ये है प्योर एटम्स। फिर उन्होंने कहा कि या तो वो सेम मॉलिक्यूल से बना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल H2O, इट इज़ ऑल्सो, उन्होंने इसको भी प्योर कंसीडर करा। इसको प्योर क्यों कंसीडर करा? क्योंकि जो पानी का मॉलिक्यूल है वो पानी का मॉलिक्यूल हमेशा H2O ही रहेगा। चाहे हम सी वाटर उठा लें, चाहे हम गटर का पानी उठा लें, चाहे हम रिवर का पानी उठा लें, चाहे हम लेक्स का पानी उठा लें, चाहे हम ओशंस का पानी उठा लें, कहीं का भी पानी उठा लें, उसका जो फॉर्मूला रहेगा, उसका जो मॉलिक्यूल रहेगा वो रहेगा H2O। जब वो H2O है तभी वो पानी है, वरना वो पानी नहीं है। ऐसा नहीं है हाइड्रोजन में हमने फ्लोरीन का एटम मिला दिया तो भाई वो पानी बन गया। दुनिया में जितना भी पानी आपको मिलेगा और दुनिया से बाहर भी, वो H2O से ही बना होगा, H2O से। इसलिए उन्होंने कहा सेम टाइप ऑफ एटम से बने हों, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से बने हों या सेम टाइप ऑफ आयन से बने हों। आयन्स का मतलब क्या होता है? वो एटम्स जिन पे पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज होता है। अब आयन, हमारे एटम्स के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता कैसे है? ये था हमारा एक एटम। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एटम है एक सल्फर का, ठीक है। इसमें प्रोटॉन्स हमारे 11 थे और इलेक्ट्रॉन्स भी 11 थे। हमारा जो भी एटम होता है वो हमेशा न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो हमने क्या बोला कि अपनी सस्टेनेबिलिटी के लिए, सस्टेन करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेते हैं। वो हम आगे बताएंगे कि स्टेबिलिटी के लिए किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ और गेन करते हैं। बट अभी यहाँ पर आपको पढ़ना जो ज़रूरी है वो ये कि मान लीजिए इसने प्रोटॉन्स जो पॉजिटिव चार्ज हैं और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर दिए, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज़ कर दिए, तो क्या होगा, इसका चार्ज कितना रह जाएगा, 9, वो भी माइनस का 9, ठीक है। और पॉजिटिव प्रोटॉन्स का चार्ज क्या होगा, प्लस 11। जब हम इस एटम को कैलकुलेट करेंगे, इसके चार्ज को, तो हो जाएगा आपका 11 - 9, दैट इज़ 2। और 2 एक पॉजिटिव चार्ज है, तो हमारे एटम के ऊपर किस तरीके का चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसी तरीके से हमारे NaCl है, NaCl, Na प्लस Cl माइनस, ये एक मॉलिक्यूल है क्योंकि ये एक Na के सोडियम के एटम से बन के मिला है और एक क्लोरीन के एटम से बन के मिला है। ये एक मॉलिक्यूल है प्लस ये एक आयन है, ठीक है। जब एटम के ऊपर चार्जेस आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं आयन। साइंटिस्ट ने बोला जो सॉल्ट है, आयन है, ये भी आपका प्योर सब्सटेंस में आता है। हमने कहा क्यों भाई, ये प्योर सब्सटेंस में क्यों आता है? इसमें तो एक Na का एटम है और एक क्लोरीन का एटम है, और आप कह रहे हो कि सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से बने होने चाहिए। तो उन्होंने कहा हाँ, हमने यही बोला कि वो सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स, और वो पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयन्स। अब इन्होंने क्या बोला कि ये जो सॉल्ट है, ये चाहे आप कहीं का भी सॉल्ट ले लो, चाहे आप सी में से सॉल्ट ले लो, चाहे टाटा का जो सॉल्ट बनता है वो ले लो, चाहे रॉक सॉल्ट ले लो, हर एक सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूल यही होगा। वो क्या होगा, NaCl। ऐसा नहीं है कि कहीं Na2Cl है, कहीं Na3Cl है, कहीं Na4Cl है। हर जगह केमिकल फॉर्मूला इसका NaCl ही होगा। ऑल राइट, जब एक Na और एक Cl मिलेंगे आपस में तभी सॉल्ट बनेगा, वरना सॉल्ट नहीं बनेगा। तो इसलिए ये एक टाइप ऑफ पार्टिकल में कंसीडर होता है कि ये एक टाइप ऑफ पार्टिकल हैं। इसमें
राइट, क्योंकि जैसे ही हम नमक को तोड़ेंगे, हम नमक को ब्रेक करेंगे, तो हमें टेस्ट तो नमक का ही आएगा। ऐसा तो नहीं चीनी का टेस्ट आना शुरू हो जाए बीच में, या फिर हमें खट्टा टेस्ट आना शुरू हो जाए। जो हमारा नमक का पार्टिकल है, वो जब भी हम उसको ब्रेक करेंगे कितने बिल्कुल माइन्यूट माइन्यूट पार्टिकल्स में, तब भी हमें वो नमक का पार्टिकल ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हमें नमक की जगह शुगर मिल गई या कुछ और मिल गया, सॉल्ट की जगह सॉल्ट ही मिलेगा। जब हम शुगर को तोड़ेंगे तो शुगर की जगह शुगर ही मिलेगी हमें, ऐसा नहीं है हमें सॉल्ट मिल गया या कुछ और मिल गया। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस। तो आई होप अब आपको आंसर समझ में आ गया होगा। द सब्सटेंस दैट कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, तो वो होते हैं आपके प्योर सब्सटेंसेस। सब्सटेंस हैविंग ओनली वन टाइप ऑफ एटम, जिस सब्सटेंस में सिर्फ एक ही तरीके के एटम होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं। देखिए, मान लीजिए कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसमें क्या है, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। हमारे कार्बन में, हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन में, जब हमने इन गैसेस को देखा अच्छे से, तो हमने क्या देखा कि इनमें सिर्फ कार्बन जो गैस है आपकी, उसमें कार्बन के ही पार्टिकल मिले। हाइड्रोजन में हमें हाइड्रोजन के ही पार्टिकल्स मिले, ऑक्सीजन में हमें ऑक्सीजन के ही एटम्स मिले, हमें किसी और का एटम इसमें नहीं मिला, राइट। सिमिलरली जो O2 है, जो एक मॉलिक्यूल है, जब हमने इसको ब्रेक करा तो भी हमने क्या देखा, इसमें ऑक्सीजन के ही एटम थे। जब हमने हाइड्रोजन को ब्रेक करा तो हमने देखा इसमें हाइड्रोजन के ही एटम्स थे। तो हमने वहाँ से क्या कंक्लूड करा कि जिसके अंदर सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे एलिमेंट्स। सो योर आंसर इज एलिमेंट्स। विच ऑफ देम इज एलिमेंट, अब आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि कौन सा एलिमेंट है, ऑक्सीजन, हीलियम, नियॉन या H2O, बताइए। जब हम ऑक्सीजन को ब्रेक करेंगे तो हमें ऑक्सीजन के ही एटम मिलेंगे, इसमें और किसी का एटम नहीं मिलेगा, राइट। ऐसा तो नहीं हमें हाइड्रोजन का एटम मिल गया या फिर हीलियम का एटम मिल गया ऑक्सीजन को ब्रेक करने के बाद। हीलियम को देखेंगे तो हीलियम में हीलियम के ही एटम्स प्रेजेंट होंगे सिर्फ, नियॉन में नियॉन के ही प्रेजेंट होंगे। बट H2O में दो एटम तो हाइड्रोजन के हैं हमारे पास और एक एटम ऑक्सीजन का है। और ऐसा केस जब हो, जब हमारे अलग अलग मटेरियल के, जब अलग अलग पार्टिकल्स हों, अलग अलग तरीके के पार्टिकल्स हों, जैसे कि एक दो हाइड्रोजन के हो गए और एक ऑक्सीजन का हो गया, तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस दो तरीके से क्लासिफाई हुआ, कैसे, एक एलिमेंट्स और एक हुए कंपाउंड। एलिमेंट वो जो सेम टाइप ऑफ एटम से बनके मिले हों, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये होते हैं एलिमेंट्स। लेकिन जो अलग अलग टाइप के मैटर से बन के मिले हों, अलग अलग टाइप के मैटर मतलब अलग अलग टाइप के सब्सटेंस से बन के मिले हों, फॉर एग्ज़ाम्पल एक हाइड्रोजन का ले लिया और एक ऑक्सीजन का ले लिया, एक Na ले लिया, एक Cl ले लिया, तो ये कहलाते हैं हमारे कंपाउंड, जिनको तोड़ने के बाद अलग अलग एंटिटी हमें मिलती है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे कंपाउंड्स। When two or more atoms combine, जब दो या दो से ज़्यादा atoms combine करते हैं तो वो बनाते हैं हमारा molecule, जो हम discuss कर चुके हैं। Which amongst them is pure substance? ये देखिए, आप समझ सकते हैं इसमें से कौन सा pure substance है, बताइए। H2O, CO2, NaCl। तो H2O भी pure है हमारा, scientist की नज़रों में CO2 भी pure है और NaCl भी pure है, right? H2O क्या है, एक कंपाउंड है, CO2 भी एक कंपाउंड है और NaCl भी एक कंपाउंड है। लेकिन ये जो फ्रेश मिल्क है, अब जो H2O है, मैंने क्या बताया कि हर जगह इसका फॉर्मूला यही रहेगा H2O, जब दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलेंगे तभी हमारा पानी बनेगा, और हर जगह का पानी का फॉर्मूला, हर जगह के पानी में एक ही मॉलिक्यूल मिलेगा जो कि है H2O। ऐसे ही अगर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कहीं की भी कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए, यहाँ की,
कहीं और की, प्लैनेट बाहर के प्लैनेट की कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए, सबके अंदर एक ही मॉलिक्यूल है, वो है CO2। ऐसे ही NaCl कॉमन सॉल्ट इसको बोलते हैं हम। आप कहीं का भी नमक उठा लीजिए, आपको सेम मिलेगा, सेम मॉलिक्यूल मिलेगा NaCl। लेकिन फ्रेश मिल्क को उन्होंने इम्प्योर क्यों बोला? क्योंकि इसमें अलग अलग चीज़ें प्रेजेंट थी, फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर, ये सब कुछ इसमें प्रेजेंट था, इसीलिए इन्होंने इसको क्या बोला, एक इम्प्योर सब्सटेंस। और इम्प्योर में भी क्या बोला, मिक्सचर। द सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इंटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस बाय यूजिंग केमिकल मेथड्स ऑफ अप्लाइंग हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, उसको क्या बोलते हैं, जो दो या दो से अधिक उसमें एक आपका ब्रेक नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल हीलियम है, इसको आप अगर इलेक्ट्रिसिटी दे दो, हीट दे दो, लाइट दे दो, तो हीलियम का हीलियम के ही एटम में ब्रेक होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा किसी और एटम में ब्रेक हो जाए। तो इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स, जिसको हम तोड़ नहीं सकते दो या दो से अधिक चीज़ों में। एट प्रेजेंट हाउ मैनी एलिमेंट्स आर नोन टू अस, तो 118 एलिमेंट्स आर नोन टू अस। एलिमेंट्स जो कि लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, बताइए, आंसर इज मरकरी एंड ब्रोमीन। आवर बॉडी कंप्राइजेज ऑफ हाउ मच ऑक्सीजन कंटेंट, सो इट इज 65। लिथोस्फीयर में सबसे कॉमन एलिमेंट कौन सा है, लिथोस्फीयर की बात कर रही हूँ मैं, सो इट इज ऑक्सीजन। कॉमन एलिमेंट इन एटमोसफियर, एटमोसफियर में कॉमन एलिमेंट कौन सा होता है, नाइट्रोजन। हैवीएस्ट एलिमेंट जो गैस है आपकी वो कौन सी होती है, रेडॉन। मेलिएबल, डक्टाइल, सोनरस, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये किस चीज़ की प्रॉपर्टी है। मेलिएबल मतलब किसी चीज़ की प्रॉपर्टी उसको शीट्स में कन्वर्ट करने की, डक्टिलिटी मतलब वायर में कन्वर्ट करने की, सोनरस मतलब कि हमने उसको स्ट्राइक करा तो टन की आवाज़ आई, ठीक है, उसकी। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब कि अपने ऊपर वो कितना लोड ले सकता है, कितना लोड बियर कर सकता है, ये किस चीज़ की प्रॉपर्टी है, मेटल्स, नॉन मेटल्स या फिर मेटलॉइड्स। सो योर आंसर इज मेटल्स। सबसे ज़्यादा मेलिएबल जिसमें शीट, सबसे ज़्यादा थिन शीट्स किसकी, कौन से मेटल की बन सकती है हमारी, तो आंसर इज गोल्ड एंड सिल्वर। वायर्स यूज्ड इन होम इज मेड ऑफ विच मेटल, ये जो हमारे घर में वायर यूज़ होती हैं हमारे घरों में वो किस चीज़ की बनी होती हैं, तो वो बनी होती हैं आपकी कॉपर की। और सबसे ज़्यादा अगर मैं पूछूँ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा मेटल कंडक्ट करता है, तो वो है आपका सिल्वर। सिल्वर यूज़ क्यों नहीं होता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। विच मेटल आर एक्सेप्शंस एंड आर नॉट हार्ड एंड कट विद अ नाइफ, कौन से ऐसे मेटल हैं जो एक्सेप्शंस हैं और जो हार्ड नहीं है और उनको हम नाइफ से काट सकते हैं। सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कोबाल्ट, टिन एंड कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर, तो आंसर इज सोडियम एंड पोटेशियम। मेटल जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे वो कौन कौन से, लेड, एल्यूमिनियम, ब्रोमीन, मरकरी, आंसर इज मरकरी एंड ब्रोमीन। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेरूरियम आर एग्जांपल्स ऑफ, किस चीज़ के एग्जांपल्स हैं ये, मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स को हम और क्या बोलते हैं, सेमी मेटल्स। ये होते क्या हैं, जो मेटल की भी प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सिलिकॉन, अब सिलिकॉन के क्या होते हैं, जो आपकी सोलर सेल्स बनी होती हैं उसके अंदर सिलिकॉन की बनी होती हैं, राइट। अब क्या होता है, सिलिकॉन पहले तो एक इंसुलेटर की तरह काम करता है, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर हीट पड़ती है तो वो कंडक्ट करने लग जाता है, किसको, इलेक्ट्रिसिटी को, और क्या बन जाता है, कंडक्टर। तो ये आपकी इंसुलेटर की भी काम करता है और कंडक्टर का भी, तो ये प्रॉपर्टीज़ मेटल का भी लेता है और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करता है, इसीलिए इसको नॉन मेटल्स कहा जाता है। प्योर सब्सटेंसेस कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर
इन अ प्रोपोर्शन बाय मास और फिक्स्ड प्रोपोर्शन, तो उसको क्या कहते हैं, जब वो प्योर सब्सटेंस जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स, देखिए दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को केमिकली कंबाइन कर दिया जाता है एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में बाय देयर मास, और उसको क्या बोलते हैं हम, अब एलिमेंट्स तो यहाँ से कट गया ऑप्शन में, क्योंकि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को कंबाइन करना है, ठीक है, मिक्सचर या कंपाउंड, सो आंसर इज कंपाउंड्स, क्योंकि प्योर सब्सटेंस कंपाउंड आर प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर इज इम्प्योर सब्सटेंस। अब इन्होंने क्या कहा कि दे आर कंबाइंड टुगेदर इन प्रोपोर्शन बाय मास, मतलब H2O है तो ये अपने मास से प्रोपोर्शन में ही कंबाइन होंगे, ये मैं आपको कल बताऊंगी कि क्या है ये मास के साथ किस तरीके से प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं, या फिर फिक्स प्रोपोर्शन में, मतलब अगर दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम ही रिक्वायर्ड होगा वाटर बनाने में, ऐसा नहीं है तीन हाइड्रोजन के एटम कर दिए एक ऑक्सीजन का कर दिया तो हमारा वाटर बन गया, नहीं, ये फिक्स प्रोपोर्शन में ही अपने आपस में कंबाइन होने चाहिए तभी जाके आपका वाटर बनेगा, राइट। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, सो आई होप यू विल लाइक द सेशन एंड टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।